गंगा नदी उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के मैदानी इलाकों की महान नदी, हालांकि आधिकारिक तौर पर और साथ ही लोकप्रिय रूप से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में गंगा कहा जाता है। अनादि काल से यह हिंदू धर्म की पवित्र नदी रही है। अपने अधिकांश पाठ्यक्रम के लिए यह एक विस्तृत और सुस्त धारा है, जो दुनिया के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक से होकर बहती है। इसके महत्व के बावजूद इसकी 1560 मील 2510 किलोमीटर की लंबाई एशिया या दुनिया की अन्य महान नदियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। गंगा अपने अधिकांश प्रवाह के लिए भारतीय क्षेत्र से होकर बहती है, हालांकि बंगाल क्षेत्र में इसका बड़ा डेल्टा, जिसे ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साझा करती है, ज्यादातर बांग्लादेश में स्थित है। नदी के प्रवाह की सामान्य दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसके डेल्टा में प्रवाह आम तौर पर दक्षिण की ओर होता है। गंगा चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ सीमा के भारतीय हिस्से पर दक्षिणी महान हिमालय में उगती है। इसकी पांच मुख्य धाराएं भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौली गंगा और पिंडर सभी उत्तरी उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्र से निकलती हैं। उनमें से दो मुख्य शीर्ष धाराएं अलकनंदा दोनों में से लंबी हैं, जो नंदा देवी के हिमालय शिखर के उत्तर में लगभग 30 मील 50 किलोमीटर उत्तर में उठती हैं, और भागीरथी जो लगभग 10,000 फीट 3,000 मीटर से निकलती है। गंगोत्री के नाम से जाने जाने वाले हिमालयी ग्लेशियर के आधार पर एक सब ग्लेशियल पिघलवटा गुफा में समुद्र तल से ऊपर। गंगोत्री अपने आप में हिंदू तीर्थयात्रा के लिए एक पवित्र स्थान है। गंगा का असली स्रोत गंगोत्री से लगभग 13 मील 21 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में गौमुख में माना जाता है। इसके बाद गंगा बिहार राज्य में प्रवेश करती है, जहां उत्तर में नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से इसकी मुख्य सहायक नदियां गंडक, बूढ़ी पुरानी, गंडक, घुघरी और कोसी नदियां हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण दक्षिणी सहायक नदी सोन नदी है। फिर नदी दक्षिण में राजमहल पहाड़ियों को पार करती है और डेल्टा के शीर्ष पर मध्य पश्चिम बंगाल राज्य में फरक्का तक दक्षिण पूर्व बहती है। पश्चिम बंगाल अंतिम भारतीय राज्य है जिसमें गंगा प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में बहने के बाद महानंदा नदी उत्तर से इसमें मिलती है। भारत के पश्चिम बंगाल में साथ ही साथ बांग्लादेश में गंगा को स्थानीय रूप से पद्मा कहा जाता है। डेल्टा की सबसे पश्चिमी वितरिकाएं भागीरथी और हुगली नदियां हैं, जिसके पूर्वी तट पर कोलकाता कलकत्ता का विशाल महानगर स्थित है। हुगली स्वयं पश्चिम से बहने वाली दो सहायक नदियों दामोदर और रूपनारायण से जुड़ती है। जैसे ही गंगा पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में गुजरती है, कई वितरिकाएं दक्षिण की ओर नदी के विशाल डेल्टा में शाखाएं बनाती हैं। बांग्लादेश में गोलुंडो घाट के पास गंगा शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, से जुड़ती है। संयुक्त धारा जिसे पद्मा कहा जाता है, चांदपुर के ऊपर मेघना नदी से मिलती है। इसके बाद पानी डेल्टा क्षेत्र से अनगिनत चैनलों के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में बहता है, जिनमें से सबसे बड़ा मेघना मुहाना के रूप में जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली में दुनिया की नदियों का तीसरा सबसे बड़ा औसत निर्वहन है, लगभग 1,086,500 क्यूबिक फीट 30,770 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड, लगभग 390
00000 क्यूबिक फीट 11,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की आपूर्ति अकेले गंगा द्वारा की जाती है। प्रति वर्ष लगभग 1.84 बिलियन टन नदियों का संयुक्त निलंबित तलछट भार दुनिया में सबसे अधिक है। हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।